सच न्यूज के नाजरीन आदाब, पेश है आज की ताजा खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। तेलंगाना के कामारेड्डी के माइनॉरिटी स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को दूसरे मजहबी टीचर्स बच्चों को सलाम नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, यानी मुस्लिम बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो किसी को सलाम नहीं करे और बच्चों को धमका रहे हैं कि ये बात क्लास के बाहर किसी को ना बताएं। क्यों ये टीचर्स इन मासूम बच्चों को इतनी छोटी उम्र से ही मजहबों के बीच अनबन पैदा करने वाली पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आइए देखते हैं कामारेड्डी से हमारे नुमाइंदे अलीम की रिपोर्ट। माइनॉरिटी है, नमाज के लिए पाबंदी नहीं है और चलते जो रास्ते में नमाज पढ़ोगे तो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं, और नमाज पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, नमाज पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए और उर्दू बोलने के लिए भी एक टीचर चाहिए और कुरान है ना, उर्दू नहीं उर्दू पढ़ाने तालीम 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 अरबी का तालीम बनाने के लिए रेगुलर के लिए है और पेरेंट्स आले है के टोटल नमाज पढ़ने के लिए जरा तकलीफ, नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ है यार, टोटल पैसे नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ है 96 सा ना ना एजुकेशन खाना में प्रॉब्लम नहीं है। एक कम्युनिटी नेता मंदिर ना मेरे को बच्चे आते थे सो मोहब्बत से सलाम करते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये टीचर क्या बोल रहे हैं, वो ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड है, आप लोगों का सलाम नहीं करना। क्या करना? बोले दो रोजाना फजर में मेरी बच्चे नमाज पढ़ते सलाम पढ़ाते सर जी। सलाम पढ़ाए तो पढ़ सलाम पढ़ाए बल्कि पीटी मैडम बच्चों को मारे तो हाथा लाल हुए। इससे पहले मैं विजिलेंस ऑफिसर आए तो है सो उन लोगों के बारे में रिपोर्ट करे तो जब से पूरे टीचर एक हो के मेरे से है ना आफ्टर ऑल आम सिक्योरिटी गार्ड आम पानी एम ले कल बच्चे पूरे सलाम करे तो आज है सो क्या बोल रहे अगर ये रूम में से बाहर बात गई ना तुम लोग एक एक में कैसा पनिशमेंट देती बोल के। अब टीचर एक है ना मैं बच्चों को बुला के लाती, आप मेरा ये बात है ना अगर रॉन्ग है तो आप बोला सर, और आफ्टर ऑल सिक्योरिटी गार्ड उनको सलाम करने की जरूरत क्या है, नॉन टीचिंग बोल तो